इंडियस के प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा, इंडियस वन के प्रीवियस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए। हमने बोला था हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे और उसमें दो चीज़ें हमने कवर कर ली थी। पहली चीज़ थी, हमने बोला था मीनिंग एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ FS, that is, I hope you understand, FS means financial statement. उसके बाद overall consideration in preparation of financial statement. हमने बात की थी overall consideration in preparation of what? Again, FS. Okay? फिर हमको अभी जो बात करना है, these two topics has been already covered. Previous videos आप देख सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कहाँ मिलेगा तो चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा FR का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो वन बाय वन आपको मिल जाएंगे अलोंग विद द स्टार्टिंग वीडियोस से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो अभी क्या टॉपिक हमारा बचा हुआ है? हाँ, हमारा टॉपिक बचा है अभी स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अगेन व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये तीन टॉपिक पे हमें बात करना है जिसमें से हमने दो कर लिया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कहाँ से, स्टडी मटेरियल से। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग व्हाट क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल। व्हाई आई से ऑलवेज आई कैन एंड आई विल, बिकॉज इट you know it will gives you a feeling that you can and I can, we both can, isn't it? Karna hai to karna hai, aaj karenge abhi karenge aur see ban ke rahenge kyunki hame banna hai to banna hai. So let's begin. To hum log isme kya baat karenge? Pehla topic structure and content of financial statement, hum log kya kya baatein karenge? Hum log financial statement se hi related baat karenge, aur koi baat to karenge nahi. To chaliye start karte hain टॉपिक में। पहले हम बात करेंगे कि भाई इसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे, व्हाट आर थिंग्स विच वी नीड टू डिस्प्ले इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर बैलेंस शीट के ऊपर आएंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करना ऑलवेज नेसेसरी है, क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले या डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है, एक एक करके बात करते हैं इनका। पहली चीज, नेम ऑफ द एंटिटी। अब ऐसा नहीं है कि मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, दीज ऑल डिटो थिंग्स आर रिटेन इन इंडियस। व्हाट इफ समवन विल आस्क यू, अगर आपसे कोई पूछा कि भाई इंडियस में किस बेसिस पे आप बैलेंस शीट में या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी का नाम लिखते हो, तो आप बोल पाओगे कि मैं इंडेस के बेसिस पे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे मैं ये काम करता हूँ। देयर शुड बी सम बेसिस। मैं अगर आज कंपनी का नाम लिखता हूँ तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है ना। मैं बिना कोई रूल और रेगुलेशन, बिना कोई स्टैंडर्ड फॉलो किए नहीं कर देता हूँ। अगर मेरा ऑडिटर रिपोर्ट जब बनता तो उसमें लिखा जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है क्यों वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट लिखा जाता है। सो वही बात है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ इंड एज। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स तो लिखने पड़ेंगे आपको, कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका क्या है, वही नॉर्मल बैलेंस शीट, पीएल, जो भी है, सो की कैश फ्लो एटसेट्रा। ठीक है, उसके कंपोनेंट जो जो हैं उसको उसके बाद डेट एंड पीरियड भी लिखा जाता है, आपको लिखा जाता है ना एज ऑन डेट, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, वो किस बेसिस पे लिखा जाता है, अपने इंडियस वन के बेसिस पे लिखा जाता है। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ए टू जेड फॉर्मेटिंग क्या बेसिस है उसका, तो आप बताओगे कि इंडेक्स। करेंसी हम लोग लिखते हैं ना अमाउंट इन रुपीज, तो वो भी यहां पे बताया हुआ है। राउंड ऑफ वैल्यू, राउंडिंग ऑफ आपको करनी है, कौन बताएगा आपको, आपका प्यारा इंडेक्स। फिर बात करेंगे सेपरेट और कंसोलिडेटेड, आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है,
बनाइए, लेकिन वहां पे लिखिए कि सेपरेट है और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेम ऑफ द एंटिटी, कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट पीरियड, करेंसी, राउंड ऑफ वैल्यू, सेपरेट, कंसोलिडेटेड, इफ इट इज सेपरेट, इफ इट इज कंसोलिडेटेड, इन केस ऑफ द कंसोलिडेशन, इजंट इट? यस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट. दिस इज द डिस्प्ले एंड डिस्क्लोजर. व्हाट आई एम ऑलवेज डिस्प्ले मीन्स आपको ये हमेशा दिखाना है, नॉट द डिस्क्लोजर. बेसिकली इट्स अ डिस्प्ले. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें दिखेंगी. बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसके ऊपर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. बैलेंस शीट, आई नो ये बहुत ज्यादा थ्योरी है, बट यू शुड अंडरस्टैंड ना यार, पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमारा इंडेक्स दिया हुआ है. आपको कोई अगर ये पूछ ले कि आपने बैलेंस शीट पीएल किस बेसिस पे बनाया, यहाँ पे ये क्यों लिखा, वहाँ पे वो क्यों लिखा, यहाँ पे रुपीज क्यों लिखा, यहाँ पे डेट क्यों लिखा, यहाँ पे कंपनी का नाम क्यों लिखा, तो दैट थिंग यू शुड हैव एन आंसर, और उसका आंसर मिलेगा आपको. अब यहाँ पे उतना थ्योरी नहीं, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी हम लोग करेंगे बैलेंस शीट में. एज ऑलवेज बैलेंस शीट इज इम्पोर्टेंट. एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, इंडेस इसमें क्या बोल रहा है. इंडेस वन बोलता है कि ऑलवेज डिस्प्ले मिनिमम आइटम, ऑलवेज डिस्क्लोज मिनिमम आइटम, ऑलवेज डिस्क्लोज मिनिमम आइटम. कहां पे? ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट जो ये है, यहाँ पे जो फेस पे हमेशा कम आइटम दिखाइए और उसका नोट्स टू अकाउंट ज्यादा बनाइए. कहने का मतलब ये है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अगेन इंडेक्स में. और इसमें एक लिस्ट भी दिया हुआ है कि क्या क्या आइटम आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो वो लिस्ट आपको याद नहीं करना, बट ये समझ लीजिए कि हमें कम से कम आइटम दिखाने रहते हैं, नोट ज्यादा बनाना पड़ता है, तो वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, इजंट इट? हमारे जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज है वो ऑलवेज स्पेसिफाई होने चाहिए, वो करंट है या नॉन करंट. हम लिखते हैं ना नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, तो किस बेसिस पे लिखते हो भाई साहब? एंड इसके बेसिस पे जो हमें डिफाइन करता है. तो आपका क्वेश्चन पहला यही आएगा कि हम आप बताओ कि कैसे डिफाइन करें करंट है या नॉन करंट है. आई होप आपको पता होगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए. टेक्निकल वर्ड्स क्या क्या है, इसमें क्या टेक्निकलिटी है, वो देखते हैं क्लिक करके. तो योर क्वेश्चन विल बी व्हाट इज करंट एंड करंट एंड नॉन करंट. इट मे बी एसेट, इट मे बी लायबिलिटी, इजंट इट? तो चलिए देखते हैं, पहले एसेट के बारे में देखते हैं. इसमें चार कंडीशंस है. क्या चार कंडीशन? पहला कंडीशन बोलता है इफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, इफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज और इंटेंडेड, याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज और इंटेंडेड फॉर सेल. एक्सपेक्टेड टू रियलाइज और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन विद इन नॉर्मल व्हाट ऑपरेटिंग साइकिल. अगर एक एसेट एक्सपेक्टेड है रियलाइजेशन के लिए, इंटेंडेड फॉर सेल है या कंजम्पशन विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट एसेट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल. अब आपका क्वेरी ये होगा कि भाई देख,
ऑपरेटिंग साइकिल बता क्या है। हमको ये समझ में आ गया कि एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, कि रियलाइज हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, इसका रियलाइजेशन हो जाएगा। हम बेचने के मूड में हैं ऑपरेटिंग साइकिल में, और कंज्यूम करने के भी मूड में है, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज भी है, बट ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। सो ऑपरेटिंग साइकिल अगर सिंपल सा समझो तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है किसका, रॉ मटेरियल का, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, यहां से लेके टू डेट ऑफ रियलाइजेशन, मतलब आपके यहां रॉ मटेरियल आया, उसका प्रोडक्शन हुआ, आपने उसको बेचा और आपको रियलाइजेशन हो गया, मतलब पैसा आपको मिल गया। सो दिस पीरियड इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। सिंपल सी बात बोला जाए तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन एंड इट एंड्स ऑन डेट ऑफ रियलाइजेशन, जब पैसा मिल जाए, रियलाइज हो जाए उस रॉ मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट का पैसा, तो वो पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई कि भाई अगर इफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो क्या होगा, करंट एसेट, क्या होगा, करंट एसेट सी ए या चलिए अगला पॉइंट क्या है अपना, इफ एसेट इज हेल्ड फॉर वॉट, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अगर वो एसेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, स्टॉक, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो वो करंट एसेट है, बेचने के लिए रखा हुआ है, क्या है, करंट एसेट। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर आपके पास स्टॉक है दैट इज योर करंट एसेट, इन्वेंट्री, व्हाट वेयर वी सो करंट एसेट इन्वेंट्री। फिर आगे 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 बढ़ते ही, एसेट इज एक्सपेक्टेड टू सेटल, अगर आपके पास कोई एसेट है और वो एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन व्हाट, आपका फेवरेट मंथ बताइए, मतलब नॉर्मली हम लोग क्या रखते हैं, 12 months from reporting date, आज मैं reporting कर रहा हूं तो यहां से मैं देखूंगा 12 महीने में ये realize, expected to realize है, तो we will consider it as a current asset, जैसे कि investment, कोई investment आपने की है और आपको लगता है कि ये सेटल हो जाएगा 12 महीने के अंदर, तो दैट इज व्हाट योर करंट एसेट, और आपका वन एंड ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा क्या रहेगा, करंट, इसमें क्या आता है, कैश आता है और बैंक, इसको आप हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हमेशा करंट एसेट रहेगा, तो ये एक पर्टिकुलरली आपको याद होना चाहिए कि ये हमेशा करंट एसेट रहने वाला है। नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एक्सपेक्टेड टू रियलाइज हो, इंटेंडेड फॉर सेल हो और कंजम्पशन, तो उसको बोलेंगे करंट एसेट। अगर हेल्प फॉर ट्रेडिंग है जैसे कि स्टॉक और एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ, सो दीज ऑल आर करंट एसेट, एंड देर इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो ऑलवेज करंट एसेट होगा। आपका क्वेश्चन क्या होगा कि अब नॉन करंट एसेट क्या है, तो भैया देखो उसके अलावा ऑल अदर आर नॉन करंट, और बाकी जो है वो सारे नॉन करंट एसेट है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सारे सारे नॉन करंट एसेट है। इसमें एक चीज जैसे कि ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अब इसमें डीटीए डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये हमेशा
नॉन करेंट एसेट होगा। समझ में आया? डीटीए और डीटीएल हमेशा नॉन करेंट माना जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एसेट, करंट एसेट की बात होगी, अब बात करेंगे अपने करंट लायबिलिटीज की। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज, और हम किन्हीं किन्हीं करंट लायबिलिटीज बोलेंगे, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला लाइन, अगर कोई लायबिलिटी है और वो एक्सपेक्टेड टू सेटल, मतलब उसका पेमेंट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन व्हाट नॉर्मल, बोलिए जी, ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एक्सपेक्टेड टू सेटल है, तो दिस इज व्हाट करंट लायबिलिटी। हम लोग क्या क्लासिफाई कर रहे हैं भाई, ये देख लो, करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है। अभी भी अपने करंट एसेट की बात नहीं कर रहे, हम करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला, इफ लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अगर कोई लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, ठीक है। अब इसमें कोई भी लायबिलिटी जैसे कि डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव आ सकते हैं इसमें। जनरली डेरिवेटिव्स, अब जो इसका इंडेक्स क्या है 109, वो वहां पे डील होगा। अगर कोई भी लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, लायबिलिटी जिसको आप बेचने के लिए रखे हैं, जैसे कि आपके पास कोई राइट है जिसको आप बेच सकते हैं, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और एक और, अगर कोई लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू सेटल, अभी जैसे एसेट करंट एसेट में था, इसमें भी एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ, 12 मंथ्स फ्रॉम वेयर, बताइए रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर वो सेटल हो जाए, तो ये हो गई करंट लायबिलिटी। एक चीज इसमें और है, एंटिटी डज नॉट हैव अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल लग रहा है, ठीक है, अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स। एंटिटी के पास कोई भी अनकंडीशनल राइट नहीं है जो अपनी लायबिलिटी को बियॉन्ड 12 मंथ वो डिफर कर दे, मतलब ये इससे रिलेटेड है, एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। तो एंटिटी के पास ऐसा कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कि अपनी लायबिलिटी को डिफर कर दे, मतलब आपको लग रहा है कि लायबिलिटी आ रही है 1 करोड़ की, तब बोले नहीं नहीं नहीं, इसको हम 12 महीने से ज़्यादा 14 महीने कर दें। यू कैन नॉट डू दैट, अपने करंट रेशियो को ठीक करने के लिए कोई आपके पास ऐसा राइट नहीं कि आप बढ़ा दो, जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है वो उतना ही रहेगा, अनटिल और अनलेस आपको कोई और, अगर वहां से एग्जेम्पशन मिल जाता है तो, जहां पे आपको पेमेंट करना है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, करंट एसेट क्या है। करंट एसेट वो एसेट है जो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज हो, इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये करंट एसेट की पहला कंडीशन। इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, इफ एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जैसे कि स्टॉक, अगर एक एसेट एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ, 12 महीने में सेटल होने वाला है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा एज ऑलवेज करंट एसेट, और ऑल अदर आर नॉन करंट एक्सेप्ट डीटी एंड डीटीएल। यहां पे हम लोग नहीं कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड नॉन करंट एसेट जस्ट लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट लायबिलिटी, इफ लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग, कोई भी एक लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, आई हैव ऑलवेज क्लियर्ड कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है,
फिर लाइबिलिटी, इफ लाइबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अगर कोई लाइबिलिटी आपने रखी हुई ट्रेडिंग के लिए, जस्ट लाइक अ डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी. फिर एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, अगर कोई लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू सेटल है विद इन 12 मंथ तो उसको भी माना जाएगा. चलिए, ऑपरेटिंग साइकिल आपको क्लियर हो गया. ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपको स्पेसिफाई नहीं है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपको स्पेसिफाई नहीं तो ऑलवेज यू कैन अज्यूम कि 12 महीने हो गया. अगर नहीं दिया हुआ है तो यू कैन अज्यूम कि 12 महीने का होगा. और क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 या 3 ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है? प्रोडक्ट के हिसाब से बिल्कुल हो सकता है. उसका प्रोडक्ट और रियलाइजेशन, रॉ मटेरियल का एक्विजिशन और रियलाइजेशन डेट में फर्क हो सकता है, ठीक है? तो उस फर्क को आप उस हर प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाएगा. जैसे एक प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने 11 महीना है, एक का 14 महीना, तो वो देखा जाएगा उस हिसाब से. प्रोडक्ट वाइज आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल उसके लिए क्या है, तो उसके हिसाब से करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी उस प्रोडक्ट को. सपोज करिए आपके पास 3-4 प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका कुछ और है, इसका 10-11 है, इसका 12 है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो गया तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा. आप हर प्रोडक्ट का अलग अलग टेस्टिंग कर सकते हो कि भाई इसमें ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो करंट एसेट नहीं आएगा, फिर लाइबिलिटी में चला जाएगा या फिर करंट नॉन करंट में चला जाएगा. आई एम सॉरी, हमने एक एक्सक्यूज मी, हमने आपको एक बात बताया था कार्व आउट, अगर आपको याद हो तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं. बोरिंग केस में एक स्पेशल क्लासिफिकेशन हमने बताया था, कार्व आउट 1, जो आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में हमने बताया था, वो यहीं पे है. उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ फटाफट, क्योंकि इसमें इसके हिसाब से क्वेश्चंस है. अगर लोन बोरिंग के ऊपर स्पेशल केस क्या था, करंट और नॉन करंट कैसे स्पेसिफाई करेंगे, जनरली जो था वो तो ऊपर आपने देख ही लिया कि करंट और नॉन करंट कैसे स्पेसिफाई करते, लेकिन एक स्पेशल केस है लोन अगर रिपेएबल ऑन डिमांड है, जब मांगोगे तब पेमेंट हो जाएगा, रिपेएबल ऑन डिमांड. अगर आपको याद हो, अगर आप नए हैं तो आपको एक बार फिर से देख लीजिए, रिपेएबल ऑन डिमांड, तो कोई भी जब लोन आपको बोला जाए कि हमको आप जब हम मांगे तब आप पेमेंट कर सकते हो, कर देना, तो दैट इज कॉल्ड रिपेएबल ऑन डिमांड. तो अगर रिपेएबल ऑन डिमांड है तो हमेशा करंट लाइबिलिटी माना जाएगा. जैसे आप दोस्त से या किसी से लोन लेते हो, बोलो भैया हम जब चाहेंगे तब ले लेना, तो ये हमेशा करंट लाइबिलिटी आएगा. अगर लोन नॉट रिपेएबल ऑन डिमांड, जो नॉर्मली लोन लिया जाता है वो हमेशा रिपेएबल ऑन डिमांड नहीं रहता जनरली. नॉट रिपेएबल ऑन डिमांड, ओके, बट लोन कोविनेंट हैज बीन ब्रीच, बट लोन टर्म्स एंड कंडीशन हैज बीन ब्रीच. बोला डिमांड पे तो नहीं था लेकिन आपने कुछ कंडीशंस को तोड़ दिया है, कुछ शर्तों को आपने तोड़ दिया है, ब्रीच कर दिया है ऑन बैलेंसेड डेट. बैलेंसेड डेट पर देखा जाए तो, हम बैलेंसेड डेट पे देखें तो आपने कुछ कंडीशंस को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम ये देखते हैं ये माइनर ब्रीच है या मेजर ब्रीच है. अगर ये माइनर ब्रीच है तो हम लोग बोलेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी में दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है. लोन नॉट रिपेएबल ऑन डिमांड हमेशा या जनरली बोलोगे तो नॉन करेंट, मतलब नॉन करेंट होता है लंबे पीरियड के लिए होता है, मोर देन 12 मंथ्स जनरली. बट इसमें करेंट लाइबिलिटी आ सकती है, इसीलिए स्पेशल केस बताया जा रहा है आपको. नहीं तो नॉट रिपेएबल ऑन डिमांड हमेशा 12 महीने के बाद ही होगा, तो फिर क्यों बताया जा रहा है? इसके पीछे एक रीजन है, वो ये रीजन है कि इसमें करंट लाइबिलिटी आ सकती है ब्रीच के केस में, जो आपको बताई जा रही है, और इस पे क्वेश्चंस भी हैं. और मेजर ब्रीच, मेजर ब्रीच में दो कंडीशंस है कि रेक्टिफाई, आपने रेक्टिफाई कर लिया टिल अप्रूवल डेट, बैलेंस शीट अप्रूवल डेट, ठीक है, तो इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बच गए.
बेसिकली क्या होता है ना, करंट रेशियो आपका खराब हो जाएगा ना जब CA/CL ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब इसको बचाने के लिए इंडियन कंपनीज को थोड़ा सा रियायत दिया गया कि आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा ना दिखे। तो यहां तक मौका दिया कि अप्रूवल डेट तक सही कर लो, तब तक ठीक है। अप्रूवल डेट क्या होता है, बैलेंस शीट जब अप्रूव होती है जनरली 30 सितंबर बोले तो 30 सितंबर तक ऑडिटर अप्रूव कर देता है बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वहां तक भी रेक्टिफाई नहीं हुआ, नॉट रेक्टिफाइड, तो ये जाएगा करंट लायबिलिटी। यही एक्सेप्शन है। अगर आपने कोई ब्रीच किया, सपोज करिए मैं आपको बता देता हूं अच्छे से एक बार फिर से डिटेल में, ये आपकी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च। इस पीरियड में आपने ब्रीच कर दिया है कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपने, इसके बात करेंगे तो कोई ये स्पेशल केस अराइज ही नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आपने कोई कंडीशन ब्रीच कर दी, कोई शर्तें ब्रीच कर दी, सपोज करी 10 करोड़ रुपया पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, ठीक है, मतलब आपका ड्यू था 10 करोड़ जो कि आपको पेमेंट करना था, नहीं किया आपने, तो आपको यहां तक सपोज करी 30 9 ये बैलेंस शीट का अप्रूवल डेट है, आपने यहां तक टिल दिस डेट तक अगर रेक्टिफाई कर लिया तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, लेकिन इससे आगे गया तो करंट लायबिलिटी दिखाई जाएगी, क्योंकि हमेशा ये नॉन करंट लायबिलिटी ही रहा है, ठीक है। आप अगर रेक्टिफाई कर लेते हो तो वो करंट लायबिलिटी में दिखने से बच जाएगा, अगर रेक्टिफाई नहीं करोगे तो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बुरा पड़ेगा। तो ये बोरिंग का एक स्पेशल केस, ब्रीच ऑफ कोविनेंस बोल लीजिए, शर्तों को टर्म्स एंड कंडीशन को जब ब्रीच करते हैं तो उस केस में आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में दिखाई जा सकती है। समझ में आ गया? अच्छा, आपको ये मैंने बोला था कार्व आउट है ना, तो अगर ऐसा इंटरनेशनली क्या होता है, इंटरनेशनली कोई माइनर और मेजर ब्रीच का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रीच बोले तो ब्रीच, तो वहां पे कोई नॉन करेंट लाइबिलिटी आप नहीं देख पाओगे, ब्रीच मतलब ब्रीच सीधा करेंट लाइबिलिटी में दिखाओ, वहां पे रूल थोड़ा सा सख्त है, यहाँ पे पिघल जाता है, सरकार पिघल जाती है, या बोलो अपना अपनी कंपनीज के हिसाब से कस्टमाइज कर ली गई है चीजें, हमारी कंपनीज उतनी अभी तगड़ी नहीं है कि जो इस टफ सिचुएशन पे निकल पाए, हमें पॉजिटिवली चीजों को लेना चाहिए आई बिलीव, ठीक है। अब बात करेंगे अपने बैलेंस शीट की, बात कर ली हम, बात करेंगे स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एक्सक्यूज मी, हम सिंगल स्टेटमेंट बनाते हैं, सिंगल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड ओसीआई, ओसीआई और पीएनएल का हम लोग दोनों एक कंबाइंड स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये हमारे इंडेक्स में लिखा हुआ है। लेकिन आपको एक बात बता दे कि इंटरनेशनली क्या ऑप्शन है, IAS क्या बोलता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हमको दो ऑप्शन देता है कि आप PNL और OCI को एक ही स्टेटमेंट में दिखाइए, या फिर PNL को अलग और OCI को अलग स्टेटमेंट में दिखाइए, ठीक है। बट हमारा इंडियस बोलता है कि हम ये वाला फॉलो करेंगे, दोनों एक साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको बस ये जनरली ये छोटा सा डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस क्या है, बेसिकली वहां पे लिखा हुआ कि आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर लो, तो इंडिया वाला बोला भाई उतना झमेला क्यों, एक ही काफी है और हमारे लिए भी अच्छा है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और इसमें जो एक्सपेंसेस शो होते हैं पीएनएल में, हमारे यहाँ नेचर बेस्ड ऑन नेचर शो होते हैं, बेस्ड ऑन नेचर मतलब नेचर के हिसाब से एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। लेकिन IAS क्या बोलता है, इसमें भी वही है,
आईएएस वन, अपना एनडीएस वन पढ़ रहे हैं ना, तो आईएएस क्या बोलता है यहां पे कि आप दो तरीके से दिखा सकते हो, एक नेचर और एक फंक्शन, नेचर के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से। तो इंडिया वाला बोला हम नेचर के हिसाब से दिखाएंगे, फंक्शंस के हिसाब से दिखाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं, जैसे आपने सैलरी दी टू फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर को सैलरी दी, और सैलरी आपने दी एडमिन स्टाफ को, ठीक है। तो अगर ये दो एक्सपेंसेस है हमारे पास, हम इंडियास के हिसाब से इसको दिखाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लेकिन अगर आईएएस में ये सपोज करिए हम, मेरे को बोलना चाहिए नेचर के बेसिस पे, आईएएस तो हम लोग फॉलो ही कर रहे हैं, ये नेचर के बेसिस पे हम जो फॉलो करते हैं हम उसका बात करें। अगर हम लोग फंक्शन के बेसिस पे जाएं तो हम इसको, ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो इसको हम लोग दिखाएंगे फैक्ट्री एक्सपेंस, ये फैक्ट्री में लगा है तो बेस्ड ऑन फंक्शन जब हम एक्सपेंसेस को शो करते हैं, और इसको दिखाएंगे एडमिन एक्सपेंस। तो आप जब फॉरेन में जाएंगे तो आपको शायद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ना दिखे, ऐसा ऐसा दिखे कुछ, तो आप समझ लीजिए कि भाई वो फंक्शन बेस्ड फॉलो कर रहा है, हम लोग नेचर बेस्ड फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, बट आपको इतना समझना चाहिए। तो ये रही बात एसपीएल की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और, बैलेंस शीट की बात कर ली हमने, बस लास्ट है कुछ मिनट और, दो मिनट चार पांच मिनट आप दे दीजिए बस, उसके बाद ये इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा शो की। आपको नाम तो याद हो ही गया होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये स्टेटमेंट अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ बताने को है या नहीं मैं नहीं, मैं समझता फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग इक्विटी ऑफ द एंटिटी, ये क्या शो करता है, इक्विटी ऑफ एंटिटी, एक एंटिटी की इक्विटी दिखाता है। व्हाट शो की शोज वेदर इट इज रिटन इट सेल्फ इन द नेम, इट शोज इन द नेम बाई इट सेल्फ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक स्टेटमेंट है जो हमें दिखाएगा चेंजेस इक्विटी में, तो इक्विटी के बारे में ही इसमें होगा। ये कंपनी के ट्रांजेक्शन दिखाता है विथ इट्स ऑनर, ट्रांजेक्शन विद ऑनर्स, जो कि शेयर होल्डर्स और वॉट ऑनर ऑफ द कंपनी, तो अगर कोई चेंजेस अप एंड डाउन होते हैं तो ये दिखाता। एक चीज यहां पे थोड़ी सी अमेंडमेंट आई थी जो कि डेट है उसका 11/10, बहुत दिन हो गया 18। उस दिन क्या अमेंडमेंट आई कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा पर्पज ऑफ ईच रिजर्व, ईच रिजर्व का पर्पज शो करना होगा, नेचर शो नहीं करना पड़ेगा। पहले नेचर भी शो करना पड़ेगा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पहले नेचर एंड पर्पज दोनों शो करना पड़ता था, लेकिन अभी नेचर नहीं, सिर्फ पर्पज ऑफ ईच रिजर्व आपको शो करना पड़ेगा। डिविडेंड पेड, आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड पेड आप कहां दिखाओगे, हमेशा शोकी में दिखाओगे अलोंग विथ डीडीटी। अब डीडीटी बोले तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये हमेशा और कहीं नहीं जाएगा, ये हमेशा शोकी में जाएगा, पार्ट बी में अदर इक्विटी में आपको दिखाना पड़ेगा डिविडेंड पेड, ठीक है। तो बस यही है कहानी आपकी, आपसे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंडियस वन के, तब तक के लिए आप सभी